सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर 7000 मेगावाट बिजली निर्मित करने और उसके द्वारा किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति करने के लिए शिंदे फडणवीस सरकार ने शुरू की मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 के चलते किसानों के जीवन में बदलाव करने के साथ ही ग्रामीण विकास वर्धक है। यह दावा महावितरण के स्वतंत्र संचालक और बीजेपी के प्रदेश सह मुख्य प्रवक्ता विश्वास पाठक ने आयोजित प्रेस वार्ता में किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 के अभियान को लागू करने का फैसला किया है। देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में इसके तहत कैंपेन और मिशन 2025 लॉन्च किया। तदनुसार दिसंबर 2025 तक प्रत्येक जिले में कम से कम 30% कृषि फीडर सौर ऊर्जा का उपयोग करके चलाए जाएंगे। इससे किसानों को दिन में बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति होगी, उनकी कई वर्षों की मांग पूरी होगी। प्रदेश में 45 लाख कृषि पंप किसान हैं और आने वाले समय में यह अभियान उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। दिसंबर 2025 तक प्रत्येक जिले में 30% कृषि फीडर सौर ऊर्जा पर चलेंगे। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को दिन के समय निर्बाध बिजली आपूर्ति करने में मदद मिलेगी। विश्वास पाठक के अनुसार सौर ऊर्जा परियोजना ग्रामीण महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करेगी। किसानों से अनुपयोगी भूमि लीज पर ली जाएगी और उन्हें 1.25 लाख रुपए वार्षिक किराया दिया जाएगा। हालांकि किसान भूमि के शीर्षक को बरकरार रखेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना की शुरुआत जून 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और तत्कालीन ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के कार्यकाल के दौरान उन्हें दिन के दौरान विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए की गई थी। किंवा शेतकऱ्यांच्या ज्या जमिनी आहेत, ज्या पडीत आहेत, त्या जमिनींना सरकार याच्यावर डेव्हलपरला सोलर पॉवर प्लांट टाकण्यासाठी इन्सेंटिव्ह देणार आहे। आता ही जमीन कोणती असेल तर महाराष्ट्रामध्ये जिथे जिथे महावितरणचे सबस्टेशन्स आहेत, 11 KV असो किंवा 33 KV असो, त्या सबस्टेशनच्या परिघामध्ये 10 किलोमीटर परिघामध्ये जर हे डेव्हलपरनी पॉवर प्लांट टाकला तर ती शासकीय जमीन सरकारकडनं नाममात्र 1 रुपया प्रतिवर्ष भाड्यातत्वावर मिळेल। 5 किलोमीटरच्या परिघामध्ये प्रायव्हेट जमीन म्हणजे शेतकऱ्याची जमीन किंवा तुमच्या आमच्यासारखीची जमीन त्यांना जर द्यायची असेल तर 30 वर्षाच्या लीजवर 1,25,000 पर हेक्टर प्रतिवर्ष असा मोबदला मिळेल आणि दरवर्षी 3% इयर ऑन इयर ही वाढ देखील होणार आहे। तर अशा प्रकारची स्कीम आहे ज्याच्यामध्ये मालकी हक्क हे शेतकऱ्याजवळच राहतील, मालकी हक्क हे सरकारकडेच राहतील, मात्र 30 वर्षासाठी ही जमीन डेव्हलपरला डेव्हलप करण्यासाठी देण्यात येईल। आता हे करताना काही इन्सेंटिव्ह देखील डेव्हलपरला दिलेले आहेत। जर एखादा डेव्हलपर 11 KV हे जर सबस्टेशन देत असेल तर त्याला 25 पैसे प्रति युनिट ॲडिशनल हा PPA दर मिळणार आहे। जे समजा उद्या MERC ने 3.30 रुपये हा विजेचा दर ठरवला तर त्याच्यावर 25 पैसे ॲडिशनल 3 वर्षासाठी असे मिळणार आहेत। आणि 33 KV जर असेल ही स्कीम तर 15 पैसे पर युनिट असे ॲडिशनल 3 वर्षासाठी मिळणार आहे। अनेकदा डेव्हलपरच्या मनामध्ये अडचणी असतात किंवा साशंकता असते की स्कीम कशी चालेल, त्यामुळे आपल्याला बँक गॅरंटी ही देखील अलाव केलेली आहे। 700 कोटीचा एक वेगळा फंड त्याच्यासाठी निर्माण केलेला आहे। इथे ग्रामसभेची किंवा ग्रामपंचायत सभेंची यांची देखील आपल्याला अडचण लक्षात घेता त्यांना 5 लाख प्रतिवर्ष 3 वर्षासाठी इन्सेंटिव्ह देणार आहे। त्यांच्यासाठी जवळजवळ 200 कोटी रुपये हे सरकारने वेगळे काढून ठेवलेले आहे। मला असं वाटतं या सगळ्या अडचणी जे जे आपले स्टेक होल्डर असतात त्या अडचणी लक्षात घेतल्यामुळे ही स्कीम राबवली जाणार आहे। ही स्कीम डिसेंबर 2025 PPA होणार आहेत आणि शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळायला सुरुवात होणार आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहड के साथ अक्षय अंसारी BCN News नागपूर।